टॉप 4 बेस्ट रेडमी 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप भी आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर रेडमी की तरफ से कोई अच्छा और तगड़ा 5G स्मार्टफोन चाहते हैं, सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर आपको बेटर क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन मिल जाए, दमदार फीचर्स हो और 5G का सपोर्ट हो। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इस लिस्ट को, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रेडमी की तरफ से आने वाले रेडमी 13C 5G की। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन भी आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस फोन की थिकनेस 8.1 मिलीमीटर और फोन का वेट है लगभग 192 ग्राम्स। और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.74 इंचेस की HD प्लस की IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट आपको दिया गया है। 600 निट्स तक की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी से कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक AI लेंस देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको दिया गया 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग काफी ज्यादा की गई है, बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो डे लाइट में फोटोज यहाँ पर डिसेंट निकल कर आ जाती है, जिसे आप अबो एवरेज कह सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। और आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर कोई भी EIS वगैरह का फीचर भी नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। और आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 388,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि एक अच्छे स्कोर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आम माली G57 MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिलता है, जो कि प्राइस पॉइंट के अंदर आपको काफी अच्छी गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, आपको परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बट दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको 10W का चार्जर मिलता है। सो बैटरी मॉड्यूल भी देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसेंट ही देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा, काफी कुछ यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है। चलिए अब बात कर लेते कुछ अदर फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसके आउटपुट आप डिसेंट कह सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर हम कार्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर ड्यूअल 5G का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही आप यहाँ पर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए इस समय आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपए। बट दोस्तों, स्मार्टफोन की सेल चल रही है और इस दौरान आपको यहाँ पर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपीज का ऑफ मिल रहा है, यानी इफेक्टिवली ये फोन आपको मिलेगा 10,000 रुपए की कीमत पर। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी का 12 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिल जाता है, हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग भी दी गई है, यानी कि वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। और इन सभी के अलावा फोन सिर्फ 199 ग्राम्स का है। सो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर सुपर मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 550 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। साथ ही आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से काफी अच्छी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी यहाँ पर अच्छी आती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन हाइलाइटेड फीचर की। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट देखने को मिलता है।
अच्छी बात यह है कि 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है तो हीटिंग भी काफी कम मिलती है, साथ ही ये बैटरी भी काफी कम कंज्यूम करता है, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन ऑन द टू पर लगभग 4,40,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो इजीली आप यहाँ पर 40 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर COD वगैरह खेलते हैं और वो भी हाई सेटिंग पर। साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 22.5 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर अच्छा है। फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। और तो और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर ही लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको MIUI 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। और वहीं पर अगर हम 5G बैंड्स की बात करें गाइस, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा पैकेज है रेडमी की तरफ से और अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन को देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली स्मार्टफोन की, और अगर आप यहाँ पर 8GB रैम 256 वाला वेरिएंट लेना चाहें तो दोस्तों वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15,499 रुपए की प्राइस पर। सो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रेडमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रेडमी का 13 5G। बात करें इस फोन की, ये फोन आपको बिल्कुल भी रेडमी 12 5G की तरह ही देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलने वाली है और फ्रंट और बैक में आपको ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 8.2mm की थिकनेस और 205 ग्राम वेट के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है, और हाँ इसी के साथ में आपको यहाँ पर IP53 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। बात करें डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई 6.79 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, और इसके अलावा 550 निट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। सो इनडोर में फोन को यूज करने में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की थोड़ी सी शिकायत देखने को मिल सकती है। रही बात यहाँ पर गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेंगे दो कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, जो कि आता है सैमसंग के ISO सेल HM6 सेंसर के साथ में, और देखा जाए तो ये सेंसर काफी कमाल का है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर F1.8 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है, और डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती है, तो फोटोज में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4th Gen 2 का एक्सेलरेटेड वर्जन, जो कि ऑन द टू पर लगभग 4.5 लाख स्कोर करता है, और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक अच्छे स्कोर है, जो कि आपको मीडियम लेवल पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में कैपेबल है। इसी के साथ में LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5030mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट, और सबसे अच्छी बात कि आपको चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर 1 दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी। रही बात यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जो कि आपको डिसेंट आउटपुट भी दे देते हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें, ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 बेस हाइपर OS के साथ में। हालांकि यहाँ पर थोड़े मोड़े अब भी ब्लॉटवेयर हैं, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिल जाएगा, और इसी के साथ में कंपनी ने क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, ये भी काफी अच्छी बात है।
और ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप Redmi की तरफ से कोई नया 5G स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपए। चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और अगला स्मार्टफोन Redmi की तरफ से Redmi का Note 13 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों तो लुक तो फोन का काफी कमाल का है और साथ ही साथ ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। वैसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि IP54 की रेटिंग आपको मिल जाती है। और हाँ गाइस, ये स्मार्टफोन 7.6 मिलीमीटर की थिकनेस और 174 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है, तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें डिस्प्ले की तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली, लेकिन आपको यहाँ पर HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगी। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का जो कि f1.7 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया जो कि बहुत अच्छी बात है, और 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, और आउटपुट की बात करें भाई तो डेलाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती है, जिसे आप अब वो एवरेज या फिर डिसेंट कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ढेरों सारे मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप कैमरा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6LM बेस MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट, जहां पर आपको आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU भी मिलेगा। और गाइस ये स्मार्टफोन लगभग 4,40,000 के आसपास अंततः पर स्कोर भी कर जाता है, सो आप यहाँ पर मीडियम लेवल तक की गेमिंग आसानी से कर सकते हैं। और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। सो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। चलिए अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 33W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाएगी, और नॉर्मल यूजिंग पे आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर एक सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट टाइप की देखने को मिलेगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, जहां पर आपको मिलेगा MIUI 14 और आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलने वाले हैं। रही बात 5G बैंड्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर Redmi की तरफ से एक डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर Redmi की तरफ से कोई फोन लेना चाहते हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 15,480 रुपए। और बजट के अंदर देखेंगे तो काफी अच्छा और तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।